SN Live सच सबसे आगे। लेकिन प्रशासन का डे फर्स्ट से रवैया ठीक नहीं है, हॉस्पिटल का भी रवैया ठीक नहीं था। इनके वार्ड में एक पाकिस्तानी टेररिस्ट सैयद नवाज को रखा गया, जो कोविड पेशेंट था, जिसके फादर सन ऑफ सैयद अली नवाज, सन ऑफ सैयद मोहम्मद, हम लोग हाईकोर्ट में भी पिटीशन अपने डाले हुए हैं, जो कोविड सीरियस कोविड पेशेंट था उसको लाके इनके वार्ड में रखना, ये जेल प्रशासन की साजिश की बू आ रही है। हम जेल प्रशासन डीजी पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने डेलिबरेटली इनको मारने की कोशिश की गई है, उस टेररिस्ट को इनके वार्ड में लाके, जिसके कारण शहाबुद्दीन, छोटा राजन, दोनों आदमी इफेक्टेड हुए कोविड पेशेंट में। हाई सिक्योरिटी रेंज जहाँ पे लोग हैं, हाई सिक्योरिटी में हैं, वहाँ किसी प्रकार का चिड़िया भी, परिंदा भी नहीं जा सकती। तो फिर कोविड से ही लोग कैसे प्रभावित हुए? क्यों उस टेररिस्ट को लाके जो कोविड का पेशेंट था इनके वार्ड में रखा गया, इस समझ से परे। हम लोग हाईकोर्ट में दिए हैं, हाईकोर्ट में अपने रिट में पिटीशन में फाइल किए, हाँ हाईकोर्ट में भी दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन लोगों ने उनसे उनको वेंटिलेटर पर चढ़ा दिया। उस समय तक वो बिल्कुल सही थे, ऑक्सीजन लेवल 96-97 था, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, उनका पल्स रेट सही था, बीपी सही था, ना उनको शुगर है, ना हार्ट डिजीज है, कुछ नहीं है। फिर इतना क्रिटिकल क्यों? जो तस्वीर सामने आ रही है, काफ़ी क्रिटिकल तस्वीर सामने आ रही है, स्थिति नाजुक दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? इस जेल प्रशासन द्वारा उनको मारा गया, एक लाइन की बात है। लगता है कि आपको शाहुद्दीन साहब राजनीति के शिकार हुए? हाँ, एकदम 100% राजनीति के शिकार हूँ। अब किसका हाथ है, क्या है, अब हाईकोर्ट में हम लोग जाएंगे। हाईकोर्ट में पहले भी हम लोग रिट पिटीशन डाले हुए हैं, उस पर कुछ आदेश भी हुआ था, अब बाकी अब फिर हम लोग दोबारा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्या ये कोरोना एक बहाना? कोरोना बहाना, टोटली बहाना। में काफी निराशा देखी जा रही है। चलिए, मौत ऊपर वाले के हाथ में, मौत से हम लोग डरने वाले नहीं। क्या देखें सीवान जिले के लोगों से खास होता है? बस यही कहें कि इस महामारी में अपने आप को बचाएं, जहां हैं वहां शांति रखें। मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। सबको यही सबका जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं कल, समय की बारी है। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।